शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। श्रद्धा, क्या हुआ? इन पायल जी का ये दावा है कि ये इस घर में मेरी जगह लेंगे। आपकी पत्नी बनेंगी, इस घर की बहू बनना है इन्हें। और ये धमकी भी दे रही है कि मुझे इस घर से बाहर निकालेगी। अरे जीजी, हमारी लॉटरी तो लगने देती, ऐसी कहाँ जल्दी थी तुमको ठकुराइन बनने की। मम्मी, ये सब क्या है? बेटा वो हम ये यहाँ पे आके भी अपना मजाक शुरू कर दिया। अरे ये हमारी बेटी पायल है ना, इसको ऐसे नए नए पति पत्नी के बीच में जाके मजाक करने में बहुत मजा आता है। बोलती है कि अम्मा, ऐसे पता चल जाता है कि पति पत्नी के बीच में कितना प्यार है। बोलो, अरे पगली, थोड़ा दिन रुक जाती ना, है? इन लोग से दोस्ती हो जाता। हाँ। इन लोग तुमको पहचान लेते, तब तो तुम्हारा मजाक समझते। ऐसे का है दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा करने पर तुलियो है एकदम बुद्धू। श्रद्धा, तुम भी ना कोई कुछ भी बोलेगा तो तुम मान जाओगी। अच्छा चलो, बहुत देर हो गई है, थोड़े चलते अंदर। अरे हाँ हाँ, तुम दोनों जाके सो जाओ, क्योंकि कल सुबह सुबह घर की बहू के हाथ से नवरात्रे का भोग भी तो बनना है। हाँ, जाओ जाओ, सो जाओ। चलो। बेटा, लगता है हमने तुम्हें ठीक से समझाया नहीं। ये जो हमारा बेटा है ना भाई, इसके दिल में जगह बनाना मतलब पत्थर तोड़ना, और श्रद्धा इसके दिल में पत्थर की लकीर है, इसे मिटाने में बहुत मेहनत लगेगी, इसीलिए जल्दबाजी में कुछ भी नहीं, दिमाग से काम लेना, ठीक है? बच्ची है तनु, तुम समझाओगी ना तो सीख जाएगी, और फिर तो हम तो हैं ही। वो श्रद्धा, तुमने अपना बुरिया हिस्सा बांध दिया ना, मैं मदद करूं? अबे मुझे यहाँ पर ना कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, पर आपको मजाक सूझ रहा है। श्रद्धा यार, अब तुम इतना सीरियस मत हो जाना। अरे उसकी बातों से पता चलता है वो कितनी अतरंगी है। अरे उसे छोड़, उसका पूरा परिवार अतरंगी है। उसका भाई मुझे मिला था, सड़क पे लड़ रहा था किसी से। अभय, अतरंगी लड़कियों को ना मैं भी बहुत अच्छे से समझती हूँ, लेकिन ये पायल, इस पे मुझे जरा सा भी भरोसा नहीं है। आपको पता है, जो लड़की बाजार में मुझसे टकराई थी वो पायल ही थी। अरे यशोदा, तुम कौन सी बात कहाँ खींच रही हो? ये बताओ कि तुम कहाँ चली गई थी बिना बताए? यही बताने तुम्हें वापस आई हूँ अभय। मम्मी जी बिना बताए, बिना कुछ कहे, वो मुझे मम्मी के घर छोड़ आई थी। मम्मी? ओ, अब समझा। अरे मम्मी जी जानते हैं ना ये उनके खास मेहमान कितने खास हैं, और तुम परेशान हो जाती हो इन सब चीजों से, इसे तुम्हारे आराम के लिए तुम्हें घर छोड़ आए होंगे। नहीं अभय, पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है कि बात इतनी भी सीधी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। अम्मा, ये सीधी बनने वाली नौटंकी हमको नहीं आती है। जो हमारे मन में होता है वही हमारे जुबान पर भी होता है। तो तुम्हारी जुबान के कारण हम आता हुआ लक्ष्मी को लात मार देगा? अरे गांव नहीं है,
जहाँ तुम हर किसी को चक्कू दिखाकर अपनी बात मनवा लेती थी। इस शहर है शहर, यहाँ के आदमी जलेबी की तरह मीठे होते हैं, तो उनको अपनी बातों की चाशनी में डुबा कर अपना बात मनवाना होता है, समझी? जाओ जाके अभय से मीठी माफी मांगो। क्या हम और माफी मांगे? हाँ, कतई नहीं। नहीं श्रद्धा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो अब सो जाओ, वरना पता चले वो हमारे बीच में आके सो गई। बहुत हंसी आ रही है ना आपको अभी? बाद में जब पता चलेगा ना कि मैं सही कह रही थी, तो कोई बहुत देर ना हो जाए। इसमें समझना क्या है, हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। चलो सो जाओ, सो जाओ। प्लीज हमें माफ कर दो, वो अम्मा ने हमें डांट डांट कर हमारे कानों से खून निकाल दिया है। हम आपको बहुत ज्यादा बोल दिए थे ना, माफ कर दीजिए ना, प्लीज माफ कर दीजिए। अरे यार पैर छोड़ो मेरे, पहले माफी तो दे दो। ये क्या पागलपन है, पैर छोड़ो अभय के। हमें जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है, और जब तक हमें वो चीज नहीं मिलती है तब तक हम उसे नहीं छोड़ते। तो पहले आप माफी दे दो और पैर ले लो। अरे पर तुमने मजाक तो श्रद्धा के साथ किया था ना, तो उसके पैर पकड़ो, उससे माफी मांगो, मेरे तो छोड़ो यार। पर गिरे तो हम आपके ऊपर थे ना जी, तो माफी तो आप ही दोगे ना। और हमें पता है कि आप अगर हमें माफ कर दिए तो श्रद्धा जी तो खुद ब खुद हमें माफ कर देंगी, है ना श्रद्धा जी? अरे यार माफ किया यार, अब तो मेरे पैर छोड़ दो। पक्का? हाँ पक्का पक्का, छोड़ो छोड़ो। काफी शरीफ आदमी है, फट से माफी भी दे दी। कहाँ मिलते हैं इतने शरीफ आदमी श्रद्धा जी, जरा हमें भी तो बताइए। अरे यार मम्मी कहाँ से लाई है ये मनोरंजन की दुकान? अरे यार अब कर तो दिया माफ मैंने इसे, अब क्यों आई है? दीदू दीदू, दरवाजा क्यों खुला था? हम ना गुड़िया को सुलाने जा रहे थे, फिर हमें याद आया कि आपको तो गुड़िया के बिना नींद ही नहीं आती, तो हम इसे ले आए। लीजिए। कितना सोचती हो ना तुम अपने दीदू के बारे में। वैसे तुम हमारे नए मेहमानों से मिली क्या? तुम्हारे घर के मेहमान है, हम क्यों मिले? हमें नहीं मिलना। कल ना इन दोनों को मिलवा दूंगा, क्या बॉम्ब फटेगा, पायल तो उसका मुंह ही बंद कर देगी, बड़ा मजा आएगा। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।